हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द लेसन इन योर साइंस बुक, दैट इज व्हाई डू यू फॉल इल. वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम वीडियोज रिगार्डिंग दिस. यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज एंड नाउ विल दिस डील विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीजेज. देर आर डिफरेंट बेसिस, देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑन विच द डिजीजेज कैन बी क्लासिफाइड और डिजीजेज कैन बी डिफरेंशिएटेड. द फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजीजेज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए डिजीज रहती है, उसी बुनियाद पर डिजीजेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक है अक्यूट डिजीज, दूसरी है क्रोनिक डिजीज. तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, कि कौन सी डिजीज कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है एक लिविंग एक ह्यूमन में. तो पहली वाली क्या है, अक्यूट, एंड नेक्स्ट इज क्रोनिक. अक्यूट वो डिजीज है जो लास्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, जो लास्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत कम वक्त के लिए रहती है. वो डिजीज जो बहुत कम वक्त के लिए रहती है, जिसमें इंटेंसिटी, जिसमें कोई शिद्दत जो है, शिद्दत ज़्यादा रहती है, किसी को फीवर होता है, किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो इसकी शिद्दत तेज़ होती है. दो तीन चार दिन के लिए, हफ्ते के लिए शिद्दत तेज़ होती है, फिर वो ठीक हो जाता है. तो इसलिए लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अक्यूट जो रहती है. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, उसके हेल्थ पे, उसके जो सेहत पे कोई खास असर जो है नहीं पड़ता है, बल्कि स्मॉल ड्यूरेशन या बहुत कम वक्त के लिए उसके हेल्थ पर असर पड़ता है. नो लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट जो है, क्योंकि बॉडी वेट एक इम्पॉर्टेंट जो है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है हेल्दी रहने का, तो इसमें कोई बॉडी लॉस नहीं होता है. बॉडी वेट जो है उसका लॉस नहीं होता है. इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स क्या है, कॉमन कोल्ड है, फूड पॉइजनिंग है, डहेरिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दीज आर द स्मॉल, दीज आर दोज डिजीजेज विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड दीज आर नोन एज एक्यूट डिजीजेज. नेक्स्ट आर क्रोनिक डिजीजेज. वॉट आर दीज क्रोनिक डिजीजेज? क्रोनिक डिजीज आर दोज डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत देर तक इंसान में रहती है. उसमें क्या है, इंटेंसिटी, जो शिद्दत रहती है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको रह जाती है इंसान के अंदर. ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट होता है, उसके सेहत पर बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि ये बहुत एक साल तक, दो साल तक, तीन साल तक, चार साल तक चलती रहती हैं, या आफ्टर लाइफ चलती रहती है. इसीलिए ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, उसके सेहत पर बहुत ख़राब नेगेटिव असर पड़ता है. लॉस ऑफ बॉडी वेट जो है उसमें होता है, उसका बॉडी वेट जो है वो कम होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एड्स, एड्स एक क्रोनिक डिजीज़ है, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक रह सकती है. नेक्स्ट इज डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ भी जो है क्रोनिक डिजीज़ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंसान के अंदर रहती है. ना, ये पहला बेस था जिस टाइप्स ऑफ डिजीज़ का, जिसमें ड्यूरेशन, जिसमें वक्त को बेस बनाया, बनाकर डिजीज को ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था. अगर हम देखेंगे दूसरा सोर्स जो है, ये दूसरा जो है क्राइटेरिया, वो है सोर्स ऑफ डिजीज. सोर्स, ये डिजीज़ कहाँ से आ गई, ये डेवलप कहाँ से हो गई ये डिजीज़. ऑन द बेस ऑफ दिस सोर्स द टाइप्स ऑफ डिजीजेज, देर आर टू अगेन टाइप्स ऑफ डिजीजेज. सोर्स, ये डिजीज, डिजीज़ कहाँ से आ गई है. फर्स्ट इज कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. कंजेनाइटल मीन्स दोज डिजीजेज विच आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ. एक इंडिविजुअल को जब वो जन्म लेता है, वहीं से उसको डिजीजेज, या माँ के पेट में से ही उसको डिजीज लगी रहती हैं, और वो डिजीजेज जो है उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीजेज. नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड डिजीजेज, वो डिजीजेज जो एक इंसान को जब वो नॉर्मल तो बारन होता है, लेकिन जब वो ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में, तो उसको दुनिया, उसको एनवायरनमेंट से वो डिजीजेज जो है वो गेन करता है, वो डिजीजेज, तो जिनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीजेज, वो एनवायरनमेंट से उसको मिलती हैं वो डिजीजेज. अब ये कंजेनेटल डिजीज जो इंसान को बर्थ से प्रेजेंट रहती है, या माँ के पेट से ही प्रेजेंट रहती है, ये
जेनेटिक इफेक्ट से उनका सोर्स जो रहता है वो जेनेटिक इफेक्ट यूजुअली जेनेटिक बेसिस रहती है उसके लिए। कंजेनेटल डिजीजेज आप उसको बोल सकते हैं, कंजेनेटल डिजीज आर एक्चुअली द जेनेटिक डिजीजेज। इससे क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा होगा, कोई जो है कोई टिश्यू काम नहीं कर रहा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिंड्रोम्स है, बहुत सारे सिंड्रोम्स जो है वो एक इंसान में प्रेजेंट रहती है लेकिन वो जेनेटिक डिजीजेज रहती हैं। नेक्स्ट एकायोड अगर हम देखेंगे, एकायोड इन लाइफ जो ज़िंदगी में इंसान को एनवायरमेंट से मिलती है वो डिजीजेज जिनमें और ये काज्ड बाई मोस्टली काज्ड बाई पैथोजेनस। पैथोजेनस आर द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। वट आर पैथोजेनस, दीज आर द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिजीजेज इंसान को पैथोजेनस से किसी और डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो बाइट से